मेरा ये काम है दुध दही आइसक्रीम फलूदा रबड़ी हर चीज़ में बरूदी दिखा थे रात पर उन मैं इंज दाड़ी नु हाथ लावे तेरी मेहरबानी मैं उन इतों पाँव पकड़िए सलवार तेरे छिट्टे बच गए तेरे पाँव तो छिट्टा पा के आया पानी का पैर ते हाँ जी उन्हें हड़ तो मैंने इतों पकड़ा मैनू कहता तेन पता नहीं असं नौ पाइया मैं हजार गाल कटी उन्हें चले जाओ वास्ता तो कुरान दा नेक महीना कि गुत फाड़ लीए उन्हें मैं गर्दड़े च बारियां मेरी कमरे च बारियां उन्हें धक्का दिया मैं लोग वेखते रहे मैं ना बड़ा चीका मारिया बड़ा कोई आ जाओ मुसलमान का बच्चा कोई सानू बचा लो कोई बचा लो कोई भी नहीं आया इन्होंने मेरे तो बड़ा जुल्म किया बड़ी मेहनत पूरा नाल कर करा तो असी आधा ठिया बनाया रोजी का चार जने वर्दी दे विच ये के मैनू नहीं पता वो सिपाही है कोई रजाकार है या कौन है। अम्मा जी ये क्या मोबाइल से वीडियो बना रहे थे? वीडियो उन्होंने बनाई आधे मोबाइलों के विच मेरा मुतालबा है मरियम निवाज खुद वेख लवे मेरा हालात भी मेरी उम्र भी जो साडे तोड़ फोड़ की है जो सानू इंसाफ चाहिए साडा इंसाफ किया जाए मरियम निवाज तू वेख रही है साडा इंसाफ कर दे असीं गरीब बंदे आए। अस्सलामुअलैकुम प्रोग्राम तलाश के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। इस टाइम मैं मौजूद हूं भट्टा चौक के एक घर में। भट्टा चौक पर बेदिया रोड के ऊपर एक दुकान है जिसका नाम है फिरदौस मिल्क शॉप। ये दुकान बड़े आसान अंदाज में कारोबार कर रही है, मुश्तरका कारोबार है भाइयों का। वालिद साहब इस कारोबार को देख रहे हैं, मामलात इनके चल रहे हैं। अचानक से जाहिर है हर घर का रमज़ान है, सिलसिला चल रहा है, अफ्तारी का खाना लेकर बूढ़ी अम्मा जी दुकान पर जाती हैं कि अपने बेटे को और अपनी मियाँ को मैं खाना दे आऊँ। सारा दिन बड़े आसानी के साथ गुजरा, मामूलात के मुताबिक गुजरा। अचानक से एक शख्स आता है और आके ये कहता है कि मुझ पर तुमने छींटे क्यों गिराए हैं। इनको कहते हैं बुजुर्गों को, ये हमारे वालिद साहब की जगह पर है। ये कहते हैं यार मैंने तो कोई छींटे नहीं गिराए हैं, क्या हो गया। इतने में वो शख्स गालम गलोच करने लग जाता है, बदतमीजी करता, माँ बहन की गालियाँ देता है। जाहिर है बेटा पास खड़ा हुआ है, बेटा कह रहा है कि यार आराम से बात करो, तुम मेरे बाप को गालियां क्यों दे रहे हो। इतने में वो शख्स फोन करके लोगों को इकट्ठा कर लेता है और मारपीट शुरू हो जाती है। बेटा जब देखता है कि हालात खराब हो रहे हैं तो बेटा फौरन से 15 पर कॉल करता है और पुलिस को बुलाता है। 4 से 5 मिनट के अंदर पुलिस भी मौके पर आ जाती है। ना सिर्फ पुलिस आती है बल्कि 6-7 वीगो डाले भी आते हैं। उन वीगो डालों में मुसल्ला होके लोग भी आते हैं जिनके हाथ में आहनी रॉड्स हैं, डंडे हैं, सोटे हैं, राइफलें हैं, असलहा है, और वो आके तोड़ फोड़ कर देते हैं। 5 मिनट के अंदर दरहम बरहम हो जाती है, कयामत हो जाती है। फ्रिज तोड़ दिए, दूध ज़ाया कर दिया, लोगों को मार दिया, किसी की आँख निकाल दी, किसी का सर फाड़ दिया। बूढ़ी औरत को चौक के ऊपर बगैर दुपट्टे के बालों से घसीटा गया, मारा गया, पीटा गया। उस बूढ़ी औरत के कमर पर घोंसे लातें मारी गईं, वो बेहोश होके जमीन पर गिर गई। कोई एक भी मुसलमान आगे नहीं आया उस औरत को बचाने के लिए। बड़े अफसोस की बात है। और पुलिस भी मौके पे खड़ी हुई है जो वीडियो बना रही है। जाहिर है पुलिस आई है, चौकी वाले आए हैं, थाने वाले आए हैं, तो उनके पास गन तो होगी। उनको तो इसीलिए बुलाया गया था कि हमें बचाएं आके। अब वो खड़े होके मोबाइलों के ऊपर वीडियोस बना रहे हैं, जो मेरे पास एविडेंस है मैं दिखाऊंगी आपको इस प्रोग्राम में। बाबा जी से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी क्या हुआ था, मुझे बड़ा दुख हुआ है, जितना मैंने सुना है वो मैंने बताया है। मेरी शॉप है दूध दही दी, मेरा ये काम है दूध दही आइसक्रीम फलूदा रबड़ी हर चीज में बरूदी दिखाते रात फिर। और मेरे बच्चे ने साथ मैं 3:30 मैं चिलर दो के दूध पाया है, पा के अड्डे की तैयारी की है। 3:30 अड्डे की तैयारी करके करता पिया फलूदा रबड़ी भी। मजदूर जेडे साडे मुलाजिम हैं वो कर रहे हैं, पे दही बल्ले ला रहे हैं, सारा कुछ। और जेडे शीशे काउंटर टूटे पे थोड़े सामने, ये उस सारा अड्डा सेट किया है। वो भाई आ रही है, इन्ना पर दूर है, मैं सफाई कर रही हूँ। मैनू कहता है पिया भाई ओ तो मेरे तो छिट्टे पा रही हैं। मैं उन्होंने आखा यार, मैं उन्हें मैंने इंज वेखा, मैं यार तेरे तो छिट्टे नहीं, तेरी मेहरबानी। उन्हें मैं इंज दाड़ी नु हाथ लावे तेरी मेहरबानी, मैं उन्हें इतों पाँव पकड़िए सलवार तेरे छिट्टे बच गए तेरे पाँव तो छिट्टा पा के आया पानी का पैर ते। हाँ जी उन्हें हड़ तो मैंने इतों पकड़ा, मैनू कहता तेन पता नहीं असं नौ पाइया।
हजार गाल कटी उन्हें मैनू अस नौ बाई हैं तेन पता नहीं। मैं आख यार मैनू नहीं पता है आ मार्केटा मेरिया प्लाट ही मेरे ना सारा कुछ ही मेरा मैं सारा लॉरी तेरा मैनू नहीं पता तेरी मेहरबानी। वो चला गया मल्ले वाला ने वो जेड़े हन दुकाना वाले उसनू छेकते इधर किया ने वो आया है पाना सिगटा वाले खोखे ते वो भाई आया है पाना सिगटा वाला सेख उन्होंने वो लै गया है पिया दरू तो उत्थे घंटा मीटा गौंदी रही है या मीटा गोई है। उस तो बाद उन्हें हमला किया है मेरा बेटा कोल खोता मैनू आंदा यही तो फड़ा ने मेरे पैसा वाला काउंटर हाले भी बाहर पिया कैश काउंटर उन्हें चौकते इंज मारा दुध का चिलर उस डोलन लगे मैं उत्ते हाथ दे लिया जो मैंने यही तो फड़ा मेरा बेटा आगू होया उस हथों पाई हो गए। उस तो बाद मेरे बेटे ने वन फाई तकाल की है वो वन फाई वाले आ गए मुड़ दोबारे की उन्होंने तीन चार भाई नाल भाई होर जिस ये आए वो चार बहुत वो जो हथों पाई होने इन्हें वन फाई तकाल की है भाई उस वो वन फाई वाले उन्होंने कोल आ गए मुड़ साढ़े को आए इनके को मैं ऐसे आखा जी और खलोते हैं एक हाफिस लै गए एक बंदा उन्होंने एक साडा दो बंदे जड़ा बुंडा अपना जख्मी होया इफ्तखार नू सट लगी है उनके पिस्टल ला पिया उन्हें बाट मारा ये डिग पिया है इन्हें डिग पिया है वो जो वो डिगा है उन्होंने भी लै गए वो तो उनकी पर्ची रिपोर्ट करा तो उन्होंने उदे बेच दिता ने सर्विस हॉस्पिटल इन उत्थे बा लिया ने चौकी से बाद मैं कॉल करते पे ने इन्हें आखा आदि अबू ने बुला मैं भी चौकी चला गया पिछू आए एक मुलाजिम आ दो मुलाजिम खड़ोते हैं पे तो एक बेटा खड़ोता उमर ने वो खड़ोते जो उन्हें हमला किया सवा सत्त बजे उस मैं चौकी के अंदर मौजूद हाँ ये मेरा बेटा मैं चौकी वीडियो वाला दी मैं पुलिस वो वीडियो वेख रहे हैं पे मैं वेखा तो मैं करलाना जो इन्हों की अम्मी नू सट्टा लगिया ना तो बजे पे तो उस मैं करलाना है उस वे उन्होंने पुलिस वाला वो ऐसा ही अंदर सुता पिया मैं उन्होंने इतू लात मैं छिका मैं यार तू तू सानू के पारू मंगा एक बंदा तो उन्होंने एक साडा तू मैनू भी इतने मंगा तो तू सारी नफरी साढ़े सारा कुछ पिछे तबाह करा दिता है। ये कहें दो पुलिस इत जी इन्नी गल करते पुलिस वाले डालों के बेचन पे अस आए हैं पे रोड बंद कर दिता है जो मैं रोड बंद किया है पिया उस एस एच आया इमरान खान आप खुद भाई इमरान एस एच जड़ा है वो आया है तो दूजा की है रश है सिंधु लंबरदार वो आया उन्हें मेरे को रोड खुला दिता है उन्हें आख्या तू रोड खोल बाबा अस तेरे नाल है तो सारा कुछ कर लेंगे जिसे रोड खुल गया हबा कई हो इन्हों उदे पहुँच गए बड़े बंदा ही कोई नहीं मैं हॉस्पिटल पहुँचा उत्थे बेवारसे करते थे उत्थे साटिया को परची लाए थे उन्होंने उत्थे दाखला कराते मैं कदे उधर अखी वाले तो जावा कदे उधले तो जावा कदे उधले तो जावा मैं कल्ला बंदा मैं किसी की बात ही नहीं जो सानू होश आया उन्होंने बंदे मगर छुटे कदे इन जावन कदे इन जावन उन्हें साड़िया वीडियो दाइलों जा बेच अस्पताल से बनाइया वो जी फाइल होंगी है ना उनकी आते तो वीडियो भी उन्हें बनाई है भाई मोबाइलों से मैनू आदा होश ने मैं यार तुसा बना लो जो मर्जी बना लो मैं कुछ नहीं कर सकना भी। उस तो बाद मैं इन्हें बच्चों लाए तो हूँ कोई आ थोड़ा जहा बच्चा वाहवा होया छुट्टी हो गई मेडिकल साडा नहीं तैयार होया मेडिकल का मैं पूछ रही हाँ भी बार बार ये तीसरे रोजे की गल है दस बारह दिन हो गए बारवा दिन अज तीसरे 12 दिन हो गए अब चलते हैं इनकी मिसेस के पास अम्मा जी के पास और देखते हैं कि उनकी क्या हालत है। सी चले जाओ वास्ता तो कुरान दा नेक महीना ओ नहीं गए ओ तो बाद ना मैं बचन लगी अगे गली दे दूजे ने जट कीता पता ही ना चला भी की हो गया की ने जदों मैं परली गली च लत्थी आ मुंडे उत्थे एक ने फड़ते मेरी गुत मेरी गर्दन ने कुट्टी पर उस किस चीज से मारा है देख लिया गर्दन ते मुक्का मारिया उन्हें मेरी कमर कुटी मैं उत्थे डह पई उत्थों ने बंदा ने मैनू चाया उता कीता मैं आखा साइड ते हो जा उदो ओ भजन लग गए सारी तोड़ फोड़ करते सानू किसे ने छड़ाया लोग वेखदे रहे मैं ना बड़ा चीका मारिया बड़ा कोई आ जाओ मुसलमान दा बच्चा कोई सानू बचा लो कोई भी नहीं आया साइड पे होते हर कोई रोड भरा गया वेखदे रहे। उस तो बाद मेरा बच्चा जड़ा थाने बैठा मेरा मियाँ चौकी तो भी पुलिस वाले पहला लै गए वो आए उन्होंने किसी ने कॉल की पिछे भी तुहाडी दुकान दा हालात बड़ा खराब कर गए बदमाश आ गए दहशतगर्द डकैती उन्होंने सारी बड़ा तोड़ते गल्ला छिकते अं सट दिता मैनू निगाह कुछ नहीं आया मेरी बड़ी वही अख है जो मेरी अखा च खून पवन लग गया ना उस तो बाद ए आ गए इन्हों मैनू फड़ते बंदे मैनू चुकन मेरे मुँह नू पानी लावेन
मैं आखा जो हूँ भज गए हूँ तुम मैं पानी ना लाओ मैं मरण देवो इतने जो तुम मैं किसी ने नहीं बचाया जो मेरे पुत्र नहीं बचा दे मैनू तो ख्याल तू करना थोड़िया भी गरे मावं इन्होंने मेरे तो बड़ा जुल्म किया बड़ा जुल्म साढ़े तो किया असी बड़ी मेहनत पूरा नाल कर करा तो असी आधा ठिया बनाया रोजी का इन्होंने साढ़े तो जुल्म किया साडा इंसाफ किया जाए नहीं तो सानू मार लवन खपा लवन दुनिया से ना हुसा है तो ना सानू कोई वेख सी किहड़े पासे असी जाइए जे थाने वाले आए तो वह आए जो रोड से लोगों ने दरू दरू तो इन्होंने किया समान कोई परू रेड़िया मोड़िया वाला का उन्होंने आखा नहीं जी तुसी खोल दियो असी इन्हों का इंसाफ कर साए असी इन्होंने नाल साथ आए अम्मा जी तू मैं बड़िया बुके वाले चेक लवे पता नहीं बारह जी लंबा जी आ अम्मा जी थोड़ा इंसाफ कर सा असी एफ आई आर बना सा तू वेखी थाने लै चलने तू हॉस्पिटल लै चलने मैं आखा मैं हॉस्पिटल नहीं जाती आ तुसी मीडिया बुला लो इतने आ दे नहीं मीडिया नहीं आ सकती असी खुद सारा कुछ कर सा उन्होंने मुतमिन करते लै गए चाह हाँ पुलिस वालों ने कहा असी तुहाड़ी हेल्पर कर साए असी एफ आई आर चंगी बना साए असी तुहाड़े ते साथ दिसा पूरा असी पुलिस वाले सारा काम ही असी करना इतमाद च ले लिया चार पुलिस वाले जदों पहला आए डाले डूले उदो चार पुलिस वाले वर्दिया दे नाल उन्होंने पहली ललकर मारी भी उन्होंने उदो मैं खामोश हो गई बेला जाने अगे तो थाने लै गए होर पुलिस कई आ गई वो ताजू बंदे लाते हैं तो उन्होंने डंडे ऐसे डंडे चला जो निगे ही ना आ रहे बेच बंदे किन्ने हैं तो सारा दिया ही ने पैंटा शल्टा पाई हुई हैं फिर मेरी अखी देखे तो निगाह ही कुछ नहीं आया मैं उत्थे रो रो ते डह पई बस ये हालात उन्होंने किया साढ़े नाल बड़ा जुल्म किया साडा वजीर आलम पंजाब वाला भी सुन लवे तो जो कोई इंसाफ कर देवे असं किहड़े पासे जाइए असं रोजी दे खातिर हर कोई सिर देंदा है पता नहीं वो गुंडे है कौन कितों आए कि उन्होंने साढ़े तो किया किसी का मुखालफत है ही कोई नहीं साड़ी उदो तो इन्होंने बड़ा साढ़े तो जुल्म किया है साडा इंसाफ किया जा। अच्छा माँ जी मुझे ये बताएं कि जब इन्होंने आपको गर्दन से पकड़ के गर्दन पर मारा कमर पर मारा मेरी गोत फाड़ते ना उन्हें जो मैं भजी इधे आधे कैमरे तू साइड से होते जिमें खिलरे खिलर मैं बच जावा किसी पास मैं बच जावा मैं होर मार सन मैं परली गली बने लत्तियाँ जो सब्जी वाला बैठा है उत्थे मैं थले लत्थिया भजन लग्या उत्थे मेरी एक ने गोत फाड़ ली है उन्हें मैं गर्दे च मारियां मेरी कमरे च मारियां उन्हें धक्का दिया मैनू मैं मुड़ गोडली उत्ते उठी हाँ मैं भजन लगी हाँ उदो वो चलन लग गए वापसी बन तोड़ सारी करते एक पांच मिनटा च उन्होंने उलट पुलट कर दी सारी। अच्छा अम्मा जी ये बताएं कि उस टाइम पुलिस वहाँ पे मौजूद थी पुलिस वाला खड़ा कैमरे तो दूर होते इस साइड ते खड़े आ रोड ते कैमरे लाई रखे ने उन्होंने चार जने वर्दी दे विच ये के मैनू नहीं पता वो सिपाही है कोई रजाकार है या कौन है मैं अम्मा जी ये क्या मोबाइल से वीडियो बना रहे थे वीडियो उन्होंने बनाई आधे मोबाइलों दे विच आगे हो के आपको या लोगों को बचाया नहीं नहीं बचाया पहला ने लल कराई उन्होंने बजना नहीं है सिर्फ मैं आधे बेटे दे कोल खड़ी आसू इवें परेशान होते मेरे आंसू भी डुलते पाया भी की होया मैं जो रोजे की तैयारी करते आई हाँ माँ प्यो तो बड़ी दुआ मंगता है बच्चा वास्ते तो मैं तो आई हाँ उत्थे टुरदी टुरदी तो बस इवें मैं खड़ी हाँ तो पर तूफान आ गई उन्होंने डंडे तो बड़ा कुछ उन्होंने उन्होंने को सरिए आए वट्टा जे आए सरिए मारे मेरे बच्चे के कंड के बच्चे तो वो खून भी वो काफ़ी जो खून चले उदो मेरी निकल नहीं गई है एक मैं कितने बच्चे आदि कर लव मेरा कला बच्चा मुलाजिम ए बुढ़ा बेचारा खड़ोता उत्ते शीशे जो मारे ने डंडे शीशे चुकते उन्होंने मारा ने उन्हें हथ करता कि वो अख वज गई है ते साढ़े ते बड़ा जुल्म किया इन्हें। माँ जी जब ये सारा कुछ हुआ है फिर उसके बाद जब ये लोग खुद ही चले गए हैं वापस या पुलिस ने भगाया इनको आपे सारे पीछा हटते गए तोड़ फोड़ करते पुलिस वाले पीछा हट गए उन्होंने नाले चढ़े ते वो डाले वापसी होते गए बड़े कितने डाले थे मैनू तो चार पांच नजर आए लाइन दे विच रुक गए रोड पे लाई जिवें ब्लाक आंदा गई है इधले रक्शे ही रुक गए इधर रोड इधला आवना भट्ठे दरू आवना बंद हो गया लोगों ने लगना बंद कर लिया उत्थे सारी उन्होंने वेल कर ली
ते बाद दे वैसे लोग कट्ठे होंदे आए न, जदो साड़ी मार कुटाई हुई है तमाशगीर लोग आए न, बड़े लोग वेखते रहे, जो चले गए उदो बंदा सारे साड़ी रोड दुकान ते हमला करते आए न, मैं मां ही हो गई आई हो गई आई हो गई, उदो मैनू चुकन लग गए न, पहला मैनू किसी ने नहीं चुका, किसी ने मेरी नहीं हमायत की, किसी ने मेरी गल चीक चिकाटा मेरा सुना नहीं, किसी ने। अच्छा मुझे बताएं कहां कहां चोट लगी है? मेरी चोट सिर दे पाए ने, वो खून मेरा अग गई, वीडियो तो मौजूद है मोबाइल दे विच, साडा कैमरा लगो आ जेड़ा मैं डंडा मारे ने कैमरे दे विच ओवे निगे आंदा पी है, मैं जो मोबाइल च वेख लैनी आ ना विच कढ़ लैंदी ने मेरी, उदो निकल नहीं जाती भाई अज तक आई औरत आप नू हाथ नहीं लावण देती, तो इन्हों ने मेरे ते की कीता है, जो मैं भजी हाँ उदो मैं कैमरे तू साइड ते हो गई भी मैं इस गली बने भज जावा, उत्थे मैनू उन्होंने गोत बन फाड़ते मेरी गर्दन गर्दन कुटी है, मेरे मगरा कुटिया ने मैनू बड़ा उधर उत्थे हालात किया है ने, मेरे को ना हुण सिर्फ मेरे को गर्दन नहीं चुकी जाती, मेरी गर्दन बड़ी दर्द होंदी है, कमर बड़ी दर्द होंदी है, गर्मी दे विच पई रहा हो फिर मैनू सुकून रहिंदा या ठंड लगदी है, मेरे दर्द शुरू हो जाते, मैं टीका लवा लैनी हाँ गोली खा लैनी हाँ, साढ़े कच्छे हॉस्पिटल है, हस्पताल भी मैनू लै गए उन्होंने अगू छुट्टी दूए सिरे दिन मैनू दे दित्ती। सर में टांके लगे हुए? नहीं टांके कोई नहीं लगे। तो क्यों नहीं लगवाए आपने टांके? एवें उन्हें आखा नहीं टांका लगता थोड़ा है अखे, बस उन्होंने सफाई सफुई उत्तों कर दी मेरे जख्म दे, टांका नहीं लाया ने। अच्छा मुझे ये बताएं कि जाहिर है ये प्रोग्राम जो है मरियम नवाज़ देख रही हैं, और बड़ा क्लियरली ये कहा गया है मरियम नवाज़ की जानिब से कि किसी भी औरत पर कोई भी तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, आप तो हमारी माँ हैं, तो क्या कहेंगी, वो सुन रही हैं आपकी बात, क्या मुतालबा है? मेरा मुतालबा है मरियम नवाज़ खुद देख लवे मेरा हालात भी, मेरी उम्र भी, जो साढ़े तोड़ फोड़ की ने, जो सू इंसाफ चाहिए साढ़ा इंसाफ किया जाए, मरियम नवाज तेरा ना तू जेड़ा मरियम नवाज तू वेख रही है साडा इंसाफ कर दे, असी गरीब बंदे आ, ओ गुंडे बदमाश ओ उच्चे ओ सिर ज्यादा ओ सिर, असी माड़े बंदे आ, आज तेरी मौजूदगी बादशाही दे विच जो माड़े गरीबा नू लोग खा जावन इंसाफ करना चाहिदा। एक नाम मलोमी शख्स आया, मैंने तो उसको पहली दफा ही देखा है, तकरीबन 15 फुट दूर है कसी, मेरा वाले साहब ना झाड़ू लगा रहे थे मिसाल सफाई कर रहे थे बुरश के साथ, तो दूर ही गाली गलोच शुरू कर दी, उसने गाली मनते बड़ी बुरी बुरी जिमें कोई पहली प्लान बना के आ रही है मेरे तो कोई अटैक कर सकते मैं लड़ाई कर सा, सारिया जड़िया है मिसाल है मार्केटा पट्टा चौक मेरा है, 8 बिरा है सर मेरा बिरा, एक SHO मैं कानून जेब ही पाई फिरना, तकरीबन जब लड़ाई हो गई है ना 2-3 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंच आई, आवाम ने छड़ा छुड़ू के वो परली साइड पे चले गए दुकान की उल्ट सामने वाली साइड पे रोड क्रॉस करके, तबाही फेर दी उन्होंने बंदे डाले रैफलां सारे डंडे सोटे बंदे उन्होंने और जख्मी कर गए, मैं तो अनपढ़ बंदा सो तो दरखास्त लिखते लगन की लिखा ने की नहीं लिखा ने, आधी मर्जी की FIR देते, मैं सुबह फोन किया SHO ने, मैं हॉस्पिटल पहुँच गया से, मैं तो दरखास्त मेरे सामने लिखी आने मेरे को सैन गुठे करा लिया ने, आखिर तू हाफिज साहब तू चला जा जेड़ा है थोड़ी FIR राती दे दी सर। एक नाम मलोमी शख्स आया, मैंने तो उसको पहली दफा ही देखा है, तकरीबन 15 फुट दूर है कसी, मेरा वाले साहब ना झाड़ू लगा रहे थे मिसाल सफाई कर रहे थे बुरश के साथ, तो दूर ही गाली गलोच शुरू कर दी, उसने गाली मनते बड़ी बुरी बुरी जिमें कोई पहली प्लान बना के आ रही है मेरे तो कोई अटैक कर सकते मैं लड़ाई कर सा, सारिया जड़िया है मिसाल है मार्केटा पट्टा चौक मेरा है, 8 बिरा है सर मेरा बिरा, एक SHO मैं कानून जेब ही पाई फिरना, तकरीबन जब लड़ाई हो गई है ना 2-3 मिनट बाद पुलिस मौके पर पहुंच आई, आवाम ने छड़ा छुड़ू के वो परली साइड पे चले गए दुकान की उल्ट सामने वाली साइड पे रोड क्रॉस करके, तबाही फेर दी उन्होंने बंदे डाले रैफलां सारे डंडे सोटे बंदे उन्होंने और जख्मी कर गए, मैं तो अनपढ़ बंदा सो तो दरखास्त लिखते लगन की लिखा ने की नहीं लिखा ने, आधी मर्जी की FIR देते, मैं सुबह फोन किया SHO ने, मैं हॉस्पिटल पहुंच गया से, मैं तो दरखास्त मेरे सामने लिखी आने मेरे को सैन गुठे करा लिया ने, आखिर तू हाफिज साहब तू चला जा जेड़ा है थोड़ी FIR राती दे दी सर। मेरे साथ इस टाइम मौजूद है हाफिज अहमद दीन साहब, जिनका ये घर है, जिनकी वालिदा है, इनसे हम बात करते हैं कि कहानी
ये मसला ये कयामत शुरू कहाँ से हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हाफिज़ अहमद। हाफिज़ अहमद दीन। हाफिज़ अहमद दीन साहब, ये बताइएगा कि जिस दिन ये वकुआ हुआ है, ये कयामत टूटी है, क्या दिन था और क्या वक्त था, क्या बात हुई थी, शुरू कैसे हुआ काम? ये तकरीबन 14 तारीख 4:30 करीब टाइम था, तो एक नामालूम शख्स आया, मैंने तो उसको पहली दफ़ा ही देखा है। तकरीबन 15 फुट दूर है सी, मेरा वाले साहब है ना झाड़ू लगा रहे थे, मिसाल सफाई कर रहे थे बुरश के साथ, तो दूर ही गाली गलोच शुरू कर दी। उसने गाली मनते बड़िया बुरिया बुरिया, जिमें कोई पहले प्लान बना के आ रहा है मेरे तो कोई अटैक कर सकता, मैं लड़ाई कर सकता। हालांकि दूर ही मेरा, मैं मोटरसाइकिल पर जा रहा चढ़ के निकलन लगा सी, तो मैं रोक गया, मैं अल्लाह बंदे हो तो इतना तू दूर आ रहा है, वो बुजुर्ग आदमी है, तू उन्होंने एवं गाली कटी जाना ठीक है, तेनों कोई तेनों उन्हें वादा किया जो तेरे तो कोई तेरा नुकसान होया, तू एवं बिला वजह क्यों कोई नशा नुशा तो नहीं करते आ गया भी तू जरा एवं बिला वजह? तो बस इन्नी मैं गल की, तो मेरे और नज़दीक हो गया, तो गाली गलोच मैं इन्हें मैं थोड़े पूछ लेना, तुम्हें पता नहीं तुम कहीं हाथ पाया जी, ए सारिया जड़िया हैं मिसाल है मार्केटा भट्टा चौक मेरा है, 8 बिरा है सर, मेरा बिरा एक SHO मैं कानून जेब ही पाई फिरना, तुम्हें पता ही कौन तुम कहीं छेड़ा है? मैं अल्लाह बंद तेन उस छेड़ा किड़ा पे तेन, तू दस भी तू एवं बिरा वजह साढ़े ना मिसाल बदमाशी कर रहा है, लड़ाई का मुड बना रहा ठीक है, इतनी देर में आवाम जोड़े तू भी दुआ गुआढ़ दुकान भी एक तमाशा लग गया, वो सारे दुकानदार ही वेख रहे हैं आंढ गुआढ़ सामने वाले, वो सारे उन्होंने अगर टोरन है, जिंद मेरे को वीडियो भी मौजूद है, आडियो भी मौजूद है, मिसाल है जो सारे मोबाइल दी, तो ये सारे लड़ाई झगड़े दी। उस बंदे का नाम क्या है? बंदे का नाम अब पता चला, उसका नाम कैसर है। अच्छा, उनका नाम कैसर है, ये कैसर क्या करते हैं? पता नहीं, ये पता बाद में चला, इसका ना कोई गाड़ियों का काम है, रेंट का काम है, रेंट वगैरह पे काम, मिसाल गाड़ियाँ चलाते हैं देते हैं पंजाब सोसाइटी में। अच्छा चले, ये बहस शुरू हो गई, फिर उसके बाद उसको ना दुकानों वाले ने आगे भगा दिया, अभी चला जाए यार, तू हमें अफतारी का टाइम है तो तू उनको काम का टाइम तुम चले जाओ, उधर ही खड़ा होकर ना वो गाली करने लगा गया, तो फोन करने उसने शुरू कर दिया, तभी साथ मेरे ना बड़ी ना बदतमीजी की, मेरे ना बड़ी ज्यादती की, तो जल्दी आओ तुसा जड़ा है ना मेरे ना इन्ना बड़ी ज्यादती की, मैं तो कम खराब कर रहे अल्लाह जाने, कोई पहले तो कोई इन्ना मसला है, मैं फौरन ही 15 पे कॉल कर दी, तो 15 जो मैं कॉल करना है तो उनकी वीडियो भी बेच नज़र आ रही है, मेरी भी नज़र आ रही है 15 कॉल पर। अच्छा, वो उतनी देर में बंदा बंदा ने उन्होंने बगा बगो दिता भी चला जाओ देख दुखते, बस कुछ 10 सेकंड गुजरे तो 5-7 बंदे लगे आए, अस अपनी मसरूफियत खोते शायद चला गया भाई, चलो मामला रफा दफा होया, 5-7 बंदे लगे तो अंदा सारे साढ़े वार किए उन्हें। अच्छा, कितनी देर में ये 5-7 लोग दोबारा आ गए? तकरीबन कुछ 10-15 मिनट बाद आ गए, 10 मिनट बाद। और ये शख्स वहीं पे खड़ा रहा या चला गया था? थोड़ा सा दूर हो गया, दूसरी साइड पे दुकान है उधर चला गया, उधर लाजा खड़ा खुड़ा रहे डिस्कस करते रहे, तो बंदे अब उन उतो मिसाल दौड़ लगाई तो अंदर सारे साढ़े तो वार किया ने, मिसाल हथ पखे पै गए जिंद पता नहीं कोई पिस्टल वगैरह उन्होंने हथ चा की आने मेरे बाई ने मारा अमदा सर जो दुते खलोता से उत्थे डै पे उनका मिसाल जरा इन्हें सिर फट गया जिंद दिमाग डैमेज होया, डॉक्टर ने दस ले जाने मेडिकल में क्या करते हैं वो मुझे नहीं पता। अच्छा, पुलिस उन्नी देर में पहुंचे जिंद मेरे को वीडियो रिकॉर्ड है, मैं 15 जो कॉल की ना तो पुलिस मिसाल पुलिस के आने तो पहला ही वो जरा है अपना वो पहुंचा है, इन मेरे को वीडियो का आडियो कॉल भी है, जख्मी होया पी मौके ते साडे बंदे तो मुराद की है आपका भाई है कौन है? मेरा भाई ना जिन्हों पहले उन्हें सट मारी वो जख्मी हो गया, साडे को आण दे बजाय जिहड़ा है ना वो चले गए उन्हें कोल, उत्थे कोई 10-15 मिनट उन्हें कोल खड़े रहे, अल्लाह जाने की गप शप लांदे रहे की डिस्कस करते रहे सानू नहीं पता,
ड्रैक ही उधर हटे मेरे को आगे। हाँ जी ऑफिसर साहब क्या हुआ? मगर सर वो सामने जो एक मिनट मैं जरा समझ नहीं पाई, जब पुलिस आई है तो पुलिस वाले उन लोगों के साथ गपशप करने लग गए, तो जिसने 15 पे कॉल किया उसको कोई प्रोटेक्शन नहीं? हमारी तो उन्होंने बात ही नहीं सुनी, ड्रैक उनके पास ही चले गए, उधर को 10 मिनट खड़े रहे, गपशप लाते रहे, अल्लाह जाने की गलबात की, ड्रैक साढ़े को वापस आ गए, उधर आन के हाँ जी ऑफिस साहब की होया मेरे को पूछते, मैं जनाब जिंद को 10 मिनट खलोते रहने 15 मिनट गपशप तुसा लाई रखी है, मेरा बिरा जख्मी हो पिया, वो बंदा मुलजम है, वो बाजा सिंह तुसा उन्हें छड़ करो, मेरे को आ गया जे वो नस जाने साढ़े ना ज्यादती की बिला वजह, नहीं नहीं जी नहीं नसदा तुसा इंज करो तुसा साढ़े नाल चलो थाने चलो, मैं सर मैं चलता रहना थाने पर वो नस जासी बंदे तुसा पकड़ लो, नहीं 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 नसदा जी नहीं बजता तुसा चलो, सानू धक्का उन्हें मोटरसाइकिल तो बिठा लिया थाने लिया चले गए। और वो जो मुलजम पार्टी थी दूसरी वो किधर? उसके बाद उधर ही खड़े रहे तकरीबन अद्धा पौना घंटा, घंटा पूरा खड़े रहे तकरीबन, उन दिन कोई डिस्कस करते रहे गल्ला बातें करते रहे, फिर उन्हें उनका कोई यार दोस्त आए हो सी या जो 5-7 बंदे आए, क्योंकि असर वक्ती तौर नहीं सियान सके भी कौन लड़ाई दे विच आ रहे हैं, 5-7 बंदे जो आए उनके नाल लड़ाई करन, उन्होंने एक बंदा उस गलवा दिता मुलजम ने भाई मेरा ये बंदा तुसा ले जाओ, तो 751 की शक्ल जो भी है अगर उन्होंने पता नहीं की मामला है सी आपस में सानू, अच्छा उन्होंने एक बंदा उत्थे बह गया, असर दो बंदे मेरा भाई जरा जख्मी है वो भी उत्थे थाने, उनके कान जो ब्लड आना शुरू हो गया ना सट की वजह चो तो नक् दरों भी खून आ रहा है, मैं चार जन अख अपना चौकियां चार मगर सर इंटर ब्लड आ रहा है इंटर चक्कर आ रहे हैं, मेहरबानी करते मेडिकल वास्ते मैं जाना तीनों गलवा दौ जरा तो जो भी मामला बाद वेख ले सूँ आखने तू नहीं जाना तू इधर बैठ तो इनू कोई बंदा सदवा तो इनू गलवा दे हॉस्पिटल, मैं फोन किया मेरा मुलाजिम आया दूसरा वो इन्हें हॉस्पिटल लेके चला गया, अफतारी उधर ही की अफतारी का टाइम है नमाज पढ़ी है मैं उधर मस्जिद में नमाज पढ़ के फारिग हुए हैं तो बस कोई 5-1 मिनट गुजरे तो जी फोन आ गया इन्होंने मुलाजिम ने किया फोन, ये पुलिस वाले गया दौड़दा दौड़दा उस आखा जी उस दुकान का यानी कि हशर नसर हो गया मिसाल तबाही फेर दी उन्होंने बंदे डाले रैफलास डंडे सोटे बंदे उन्होंने और जख्मी कर गए तो तबाही मची पई सर तुसा जरा तो उदो जरा पुलिस वाले उन्हें आखा हाँ जी ये की हो गया, मैं थोड़े गुस्सा आया मैं सर करवाया ही तुसा, मैं गुस्से में आन के गाल भी दी उसको, मैं सर करवाया ही आपने आपकी मौजूदगी में होया, पता है आपको आपने क्यों मुलजम को भगवाया, अगर ना जाता है तो ना इतना दोबारे प्रोपर डंडा करता तो जरा ना इतना वाके पेश हम अच्छा वो जोड़ा मुलजम उत्तर बैठा से उन्होंने जो 751 शक्ल लै गए वो उधर ही बैठे से उन्होंने छोड़ के भाज रहे से मिसाल जरा है ना अल्लाह जाने उन्होंने गफलत आई है, मैं सर इसको बिठा लें ये नस जाएगा, आप उधर जा रहे हैं तो इसको जंदरा लगा लें या दरवाज़ा बंद करें नस जाएगा, नाम लो मैंने एक ये भी निकल गया तो फिर पता नहीं चलना कौन सी, तो उन्होंने बिठा लिया ऐसा इधर आया रोड ब्लॉक हो गया रश लग गया काफ़ी ज़्यादा तो मौके तो कोई व्डे व्डे आंढ़ गुआंढ आए रश सिंधु आया आंढ़ गुआंढ सारे आए SHO आ गया जी हाँ जी थोड़े ना जी बड़ी ज्यादती हुई है ये होया वो होया तो इंज करो तुसा रोड खोल दियो तो जरा हॉस्पिटल जरा अपनी वालदा को गलवाओ तो जरा सारे जिन्होंने जख्मी होने सारे उधर गलवाओ तो साढ़े नाल चलो असा FIR थोड़ी देने जिमें तुस अस उमें कर सन आप रेत इन्होंने गड्डी बहा लिया ने अपना भी दाले दे पुलिस वाले दे इन्हों लैते चले गए जोड़ा है उन्होंने चाहिए चलो 112 वालों कॉल कर दे उन्होंने एमरजेंसी से बुला दे और डालों के इन्हों बहा लिया ने पुलिस वाले लैते चले गए ठीक है उत्थे जाते सट तो दाखिल करवा दे और वापस आ गए ये कोई किधर पिया कोई किधर पिया मैं पिछे की परेशानी है बेला जन हॉस्पिटल की बना अच्छा उत्थे ले जाते मैं तो अनपढ़ बंदा उस दरखास्त लिखते लगन की लिखा ने की नहीं लिखा ने आदमी मर्जी की FIR दे ते मैं सुबह फोन किया SHO नूं मैं हॉस्पिटल पहुँच गया सी मैं तो दरखास्त मेरे सामने लिखिया ने मेरे को सैन गुठे करा लिया ने तू हाफिज साहब तू चला जा जिहड़ा है तुहाड़ी FIR राती दे दी सा एक मिनट हाफिज साहब आपने दरखास्त को पढ़ा नहीं मैं अनपढ़ बंदा हूँ मैं सही सहन भी नहीं करने ठीक है अंगूठा छाप है जी आपने दरखास्त नहीं पढ़ी किसी और से पढ़ाई भी नहीं किसी और ने एक आदमी आया था हमारा उसने लिखाई सी बल्कि फिलहाल जड़ा है ना अगर एप्लीकेशन के मुताबिक भी देते ना हमारी FIR करते तो वो भी चोरी की नहीं बनती अच्छा मुझे ये बताइए हाफिज साहब कि आपने जो एप्लीकेशन है दरखास्त है वो पुलिस ने लिखी थी नहीं पुलिस ने तो नहीं लिखी थी पुलिस के साथ ही एक हमारा बंदा था अपना कोई वकील आया था उसको मैं कहा यार ये मेरा FIR मिसाल है एप्लीकेशन लिख दे ठीक है और पुलिस वाले वो साथ मिल के एक दूसरे सलाह मशवरे के साथ उन्होंने लिखी है मेरे को बैठ के अच्छा अब मुझे ये बताइए कि आपका जो नुकसान है दुकान पर वो कितना हुआ है कम से कम 35-40 लाख का हुआ है जो फ्रिजा काउंटर जो खाने पीने दही बल्ले जो हमारा स्टॉक था वो सब तबाह उन्होंने कर दिया दूध डोल दिया दहिया वगैरह सब तहस नहस कर दिया अब ये नामजद मुलजिम है यानी आपकी FIR में नाम लिखे हुए कितने नामजद मुलजिम है नाम
नामजदगी उन्होंने लिखे ना एफ आई आर, मिसाल है पुलिस वाले ने खुद ही नामजद किया है हमारे, तो मुझे तो पता नहीं कौन है तो कौन नहीं, उन्होंने खुद ही नामजद किया है पांच नामजद हैं जो ठीक है। इन पांच में से कितने मुलजमान पुलिस ने पकड़ लिए? एक ही था जो पहले दूसरा वाक हुआ था ना, जो पहला वाक्य हुआ था जिसमें पांच सात बंदे आए थे लड़े थे, वन फाइव कॉल थे, पुलिस पहुंच आई थी सात इकवंजा की शक्ल में, उनका एक आदमी ले गए, वही है मिसाल है जेल में है। अच्छा, अब आप पुलिस की कार्रवाई से मुतमईन हैं कि नहीं है? नहीं, पुलिस तो सारा मेरा तो यही है भाई, ये सारा सिस्टम करवाया पुलिस ने है। अच्छा। क्योंकि हमने उसको आगाह किया, बार बार कॉले भी करते रहे हैं ठीक है, मौके पे नहीं पहुंचे, और अगर पहुंचे भी हैं बाद में तो मेन मुलजिमा उसको डिस्कस करके उसके साथ मिल मिला के उसको मौके पे यानी कि भगा दिया, दूसरा आदमी अजनबी उसको साथ ले गए जो उनके साथ आया हुआ था। अगर मेन मुलजिम मौके पे पकड़ लेते तो जो वकूआ मेन हुआ हमारा नुकसान हुआ भी ये ना होता। हाँ जी, अब आपका क्या मुतालबा है? हमारा यही मुतालबा है कि हमें इंसाफ मिला जाए। पहले तो इसने पुलिस वालों ने करवाया है, मुझे तो कन्फर्म लग रहे हैं अगर पुलिस वाले होते, क्योंकि मौके पर ही खड़े रहे चौकी वाले चार पाँच पुलिस वाले, उनके पास असला भी था तो फिर भी उसको अगर रोक सकते थे या कोई हवाई फायर करके, इतनी मुजामत वो कर रहे हैं दहशतगर्दी कर रहे हैं, उनके पास असले डंडे सोटे ये खुद वीडियो बनाते रहे। हाँ जी, आपको पता है जिन मुलाजमों ने वीडियो बनाई है उनके क्या नाम है? नाम का तो नहीं पता, वीडियो में आ रहे हैं वो मिसाल है, जैसे मिसाल है वो सामने खड़े रहे लड़ाई के मिसाल एक साइड पे होते वीडियो बना रहे हैं। हाँ जी, और मैं एक क्लिप मेरे पास और आया, मैं आपको सुनाता हूँ। ये है जब वो आते सड़न लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं ना दोबारा, पहली दफ़ा आते पांच सात बंदे, तो मैं पुलिस वाले मुझे खुद वापसी कॉल कर रहे हैं, हाँ जी किधर आना है किधर आना है, तो मैं उनको बता रहा हूँ जी मिसाल सर ये दोबारा आ रहे हैं ना मुझे हम मारने के लिए, तो ये वो क्लिप ही मेरे पास है क्योंकि मोबाइल में रिकॉर्डिंग लगी हुई थी इसमें। हाँ जी, हेलो 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 जनाब, हेलो 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 पुलिस कहाँ गई बीच में से? वो ये ना रास्ते में थे, पूछ रहे थे जी किधर आना है, हालांकि उनको चौबीस घंटे बार बार इधर गुजरते हैं हमारे पास सामने साथ ही चौकी, उनको पता था तो बार बार पूछ रहे हैं जी किधर आना है किधर आना है, मैं बताया भी था अभी क्वाड़े वाली गली के सामने फिरदौस मलिक साहब से, तो मुझे पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता रहा हूँ, तो उधर से ये दोबारा जो है ना मिसाल है पहली दफ़ा जो तो सडन लड़ाई करने आ रहे हैं। हाँ जी, तो मैं बता रहा हूँ भाई जड़ा है ना दोबारा फिर आ रहे हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि आपकी वालदा को शदीद किस्म की चोटें आई हैं, आपके भाई को चोटें आई हैं, एक मुलाजिम है आप लोगों का उसकी आँख ही ज़ाया हो गई है, 30 से 35 लाख का 40 लाख का आप लोग कहते हैं कि आप लोगों का नुकसान हो गया है, ये तमाम चीज़ें हों और क्या दोबारा ये जाहिर है आपका नुकसान पूरा होना चाहिए, जो चोटें लगी हैं जो मसले मसाइल हैं वो दोबारा से सेट तो नहीं हो सकती, उसको तो टाइम लगता है, लेकिन इस दौरान दोबारा आपको कॉल करके कोई थ्रेट कोई धमकियां दे रहे हैं? सर बार बार धमकियां दे रहे हैं, एक दफ़ा ने जो भी है मोहल्लेदार हैं हमारे कोई देखते हैं ना ये मिसाल है इनके मिसाल ज़्यादा ही अजीज़ इनकी गल मान लेंगे उनके उन मिसाल उनको भेजते हैं जहाँ इनको अगर कहें मिसाल अगर सुलह करनी है तो ठीक है, नहीं तो हम एक बच्चा भी नहीं छोड़ेंगे, याद करेंगे भी इन्हें किन्नो हाथ पाया है, इस तरीको जो भी आदमी आता है मुझे यही पैगाम पूछाता भी आप उनसे ना सुलह कर लेने वरना आपने ना गलती पंगा ले लिया किसी से, मगर हमने क्या पंगा लिया है, उन्होंने हम पे बदमाशी की है, हमारा तो यही मुतालबा है उनसे, क्योंकि हमारे मैं तो उनको मुलजम नहीं मानता हूँ, कैसे भाई इन्होंने किसने भेजा है, मैं जो भी आता है ना हमारे पास मिसाल आपको किसी पर शक है किसी से दुश्मनी चल रही है? मैं यही कर रहा हूँ ना भाई अगर कहते ना सानू मेन बंदा दस देवन भाई केड़ा बंदा जिसने इन्हों गला है पैसे दे लेके आया नहीं या किसी ने मिसाल साडे दुश्मन ने गला है इन्हों सानू बंदा दस दे क्योंकि साढ़े मुखालफत नहीं है ना कोई साडा रोला रप्पा इन्हों। ये लोग जिन्होंने हमला किया है जो मुसल्ला होकर आए हैं ये क्या आपके इलाके में रहने वाले हैं, जानते हैं इनको आप लोग या आपके मोहल्लेदार? ये पहले तो मैं इनको नहीं जानता था, एक दो दिन हुए पता लगा भाई हमारी गली के हिंदू लड़के
मिसाल है, बाकी कोई चुंगी अमर सद्दू के हैं, कोई फैसलाबाद के हैं, इस तरह के गैर इलाके कोई हैं, साईपाल के, लिदड़ा के हैं, हाँ जी मुख्तलिफ इलाकों के हैं। यानी अभी भी लगातार आपको कॉल्स आ रही हैं, तंग कर रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं। एस एच ओ को, पुलिस को आपने बताया है? मैंने एस एच को बताया है और इन्वेस्टिगेशन को भी बताया है। मैं तो जो जिससे भी मुलाकात होती है मैं उनको बता रहा हूँ। क्या कहते हैं? नहीं नहीं कुछ नहीं होता, बस कुछ नहीं होता, आप ऐसे ही करते हैं, कुछ नहीं होता, ये धमकी आती रहती हैं, कुछ नहीं करते। मैं आज धमकी आती रहती है, मतलब ये किसने कहा है? ये जिसको भी बताता हूँ, इन्वेस्टिगेशन को मैंने बताया। अनचार थाना कौन सा लगता है आपको? ये हमारा जनूबी कैंट लगता है जी, हर बाजार। ये आँख पे क्या हुआ है? आँख पे शीशा लगा, ये मेरी आँख मेरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं कमान वाला ही, मैं सब मैं होटलों पे काम करके तो मैं घर का खर्चा चलाता था। अचानक ही बस आए हैं, पता ही नहीं चला कि कहाँ से आए हैं, कौन थे। हमने कॉल किया 15 पे कि ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन जो मुलजिम थे वो साथ खड़े थे। पुलिस वाले कहते हैं कि आप चलें हमारे साथ थाने, ये आ जाएंगे। आज करीबन 11-12 दिन हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि आप आएँ दोबारा, हम आपका वो करेंगे। कि हो सकता है डॉक्टरों के साथ मिल मिला के कुछ नया कारनामा, मज़ीद जो पहले वाला रिजल्ट है उसको कमज़ोर करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए कोई और चाल चल रहे हों। आंख पे क्या हुआ है? आंख पे शीशा लगा, ये मेरी आंख मेरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। मैं कमान वाला ही, मैं सब मैं होटलों पे काम करके तो मैं घर का खर्चा चलाता था। अचानक ही बस आए हैं, पता ही नहीं चला कि कहाँ से आए हैं, कौन थे। हमने कॉल किया 15 पे कि ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन जो मुलजिम थे वो साथ खड़े थे। पुलिस वाले कहते हैं कि आप चलें हमारे साथ थाने, जी आ जाएंगे। आज करीबन 11-12 दिन हो गए हैं, वो कह रहे हैं कि आप आएँ दोबारा, हम आपका वो करेंगे। कि हो सकता है डॉक्टरों के साथ मिल मिला के कुछ नया कारनामा, मज़ीद जो पहले वाला रिजल्ट है उसको कमज़ोर करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए कोई और चाल चल रहे हों। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम, असलम साहब आप इनके मुलाजिम हैं? जी। अच्छा मुझे बताएं ये आँख पे क्या हुआ है? आंख पे शीशा लगा है। आंख पर शीशा लगा है, ये इसी झगड़े के दौरान लगा है? जी जी। तो क्या कहते हैं डॉक्टर्स? डॉक्टर वो टरकाई खड़े हैं, कभी कहते हैं सुबह बना देंगे, कभी कहते हैं परसों बना देंगे, अभी तक उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं बना के दिया। किस चीज का सर्टिफिकेट? ये मेरी आंख मेरी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अच्छा। मैं गरीब आदमी हूँ जी, मेरी बेटियों का साथ है, बेटा नहीं है। मैं कमान वाला ही, मैं सब मैं होटलों पे काम करके तो मैं घर का खर्चा चलाता था। अब मेरी आंख बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और तकलीफ भी हैगी, अब मैं काम करने के काबिल का नहीं रहा। ये ज़ाया हो गई है? जी जी, आंख ज़ाया हो गई है बिल्कुल, इससे नज़र नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा नज़र। तकलीफ भी हैगी है, तकलीफ भी बहुत है। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, कब करेंगे ऑपरेशन आपका? ऑपरेशन हो चुका है लेकिन वो अभी तक वो रिजल्ट नहीं पे देंगे। अच्छा। कौन सा हॉस्पिटल है ये? सर्विस हॉस्पिटल। क्या कहते हैं सर्विस हॉस्पिटल वाले, कब देंगे रिजल्ट? वो कह रहे हैं वो रिजल्ट हम पुलिस वालों को देंगे। अच्छा। पुलिस वालों को भी अभी तक उन्होंने रिजल्ट नहीं दिया। अच्छा, झगड़े के दौरान आप वहाँ पर थे? जी हाँ, मैं वहाँ पर काम कर रहा था। आप वहाँ पे काम कर रहे थे, तो क्या हुआ जरा मुख्तसर सा बताएंगे मुझे? वो अचानक ही बस आए हैं, पता ही नहीं चला कि कहाँ से आए हैं, कौन थे, नाम मालूम शख्स थे, कोई पता नहीं हमें चला कि कहाँ से आए हैं। आन के मेरे वो ये भाई महंगा है इसका, ये अपना उमर नाम का, इसका सिर पाड़ा ने इतने हसली देते डंडे मारे ने बहुत सारे, पता नहीं राड़ आने को लोहे दे के, पता नहीं डंडे आने, कोई पता नहीं सामने चला। अचानक ही आके उन्होंने हमला किया है, तकरीबन इफ्तारी तो बाद दी गल है, 8 बजे का टाइम सी, तो उस वक्त आए ने तो आके इन्होंने हमला शुरू कर दिता। और इनकी वालदा उत्थे खाना
लेके गई हुई सी, खाना अभी खाने वाले ही थे, अचानक पता ही नहीं चला कि अचानक हमारे ऊपर हमला हो गया और इसको जख्मी करके काउंटर तोड़या ने, काउंटर का शीशा मेरे आँख के बीच लगा, आँख मेरी बिल्कुल खत्म हो गई, नजर नहीं आ रही। आँख में शीशा लगे से क्या मुराद है, शीशा फेरा है या कहीं धक्का दिया है तो शीशे पे गिरे हैं आप? धक्का दिया उन्होंने, उन्होंने धक्का दिया तो शीशा, उन्होंने शीशा पहले ही उन्होंने तोड़ दिया से, वो कचरा आँख में लगा, उसकी वो नुक्कर लगी है आँख पे, बिल्कुल नजर बिल्कुल खत्म हो चुकी। अब क्या मुतालबा है, मैं क्या कह सकती हूँ? अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और जो जालिम है उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है और ये अवलीन जिम्मेदारी होनी चाहिए, इससे पहले कि आज ये मिल्क शॉप निशाना बनी है कल कोई और निशाना बने। अच्छा मुझे बताएं ये तमाम लोग जो हैं इनको पहले कभी देखा है आपने? नहीं कभी नहीं देखा, कभी नहीं देखा। कितने डाले आए थे? तकरीबन 4 डाले आए थे। ठीक है, 4 डालों में कितने लोग थे? लोग हमने नहीं देखे, सानू अचानक ही साढ़े उत्ते अंदाजन को 10-12 थे। जी हाँ 10-12 तो थे। इसी घर का एक और बेटा भी शदीद जख्मी है जिसके सर पर बैंडेज हुई हुई है, जाहिर है सर फट गया, चोटें लगी हुई हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई? इफ्तिखार अहमद। इफ्तिखार कहाँ कहाँ चोट लगी है? सर पे ही लगी है और गहरी है, जिसकी वजह से कान और नाक वगैरह से खून जारी हो गया, फिर पुलिस वाले बजाय उनको पकड़ते हमें लेकर चले गए दोनों भाइयों को चौकी, हम उधर चले गए, उसके बाद फिर इन्होंने आकर दोबारा हमला किया, तोड़ फोड़ जो कि हम वहाँ पे दुकान पे मौजूद नहीं थे, पहले एक बार लड़ाई हुई है, मुझे चोट लगी, लेकर चले गए, फिर एक आदमी को कहा कि इनको ले जाओ सर्विस हॉस्पिटल में, इसका मुलाजे वगैरह करवाएं, हम वहाँ पे चले गए। ठीक है, उसके बाद ये मेरा बड़ा भाई वो इधर दुकान पे था, सॉरी चौकी पे, छोटा भाई दुकान पे था, फिर वो आया, उनके साथ झगड़ा किया, तोड़ फोड़ जो नुकसान हुआ है, करीबन 27 मन दूध था, 40-50 कुंडे करीबन दही के थे, फलूदा तैयार था, रबड़ी तैयार थी, इसके अलावा फ्रूट चाट का एक हमारा अड्डा था, मिल्क शेक, वो सब वो आपने देखा होगा, शायद गए हैं या नहीं गए हैं वो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं हुकूमत से इल्तजा कर तो दस्त पस था कि हम गरीब लोग हैं कि हमारी मदद की जाए, अगर आप ये नहीं कर सकते तो खुदारा छोड़ दे, कोई और आ जाए जो करने वाला हो। बस आपका सर पे अच्छी खासी चोट लगी हुई है, जाहिर है जब बहुत ज़्यादा चोट लगती है तो फिर जाके आपके कान से और नाक से ब्लड आता है, तो इसी पोजीशन में आपको थाने ले गए थे? जी। आपको तो मार पड़ी थी, आप कोई मारने वाले थोड़ी थे, आप जालिम तो नहीं थे, आप तो मजलूम थे। वही कह रहा हूँ कि हमने कॉल किया 15 पे कि ये हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं, लेकिन जो मुलजिम थे वो साथ खड़े थे, पुलिस वाले कहते हैं कि आप चलें हमारे साथ थाने, ये आ जाएंगे, हालांकि चाहिए ये था कि वो उनको लेके जाते, उनको लेके जाते, क्योंकि हमने कॉल की थी हम जाते उनके। चलो उनको ना लेके जाते, कम से कम दोनों को लेके जाते, एक को छोड़ते तो ना। हाँ ये भी एक सवालिया निशान है यहाँ पे। अब क्या मुतालबा है? मुतालबा क्या है कि वो उसकी आंख तो वापस नहीं आ सकती, अगर आ सकती है तो आप बताएं। नहीं आ सकती। और हमारा जो करीबन 35-40 लाख का नुकसान हुआ पड़ा है, अब आगे मजीद हो रहा है, आज 10-12 दिन गुजर गए हैं, कारोबार बंद पड़ा है, तबाह हुआ पड़ा है, हमारे अखराजात और बढ़ रहे हैं, मुलाजिम हैं जितने भी हैं वो उधर खड़े हैं। अब एक खतरा हमें और है, वो जो है पहले पुलिस वालों ने या जिन्होंने भी हमारे साथ ज्यादती कर ली है या होगी, अब हमारा रिजल्ट नहीं मिल रहा, आज 12वां दिन है गालिबन हॉस्पिटल से, सर्विस हॉस्पिटल से जी, आज करीबन 11-12 दिन हो गए हैं, हालांकि रिजल्ट तो एक दो दिनों के अंदर तैयार हो जाता है,
अब हमें फिर सुनने में आ रहा है वो कह रहे हैं कि आप आएँ दोबारा हम आपका वो करेंगे, लेकिन इसके इससे हमारे जहन में एक सवाल ये जा रहा है कि हो सकता है डॉक्टरों के साथ मिल मिला के कुछ नया कारनामा मजीद जो पहले वाला रिजल्ट है उसको कमज़ोर करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए कोई और चाल चल रहे हों। तो आपके पास ये मौका है ना, मैं माइक आपके आगे कर रही हूँ, आप बताएं अपने तहफ़ुज़ात। मैं क्या कह सकता हूँ, किसको तहफ़ुज़ात क्या बताऊँ? आप बताएं ना, आपको क्या लगता है कि ऐसे ना हो जाए वैसे ना हो जाए, वो सारी बात बताएं। तो अर्ज कर रहा हूँ ना कि पहले इन्होंने हमारी FIR खराब कर दी, हालांकि ये दहशतगर्दी की थी, डकैती की थी, उन्होंने चोरी की बना दी, वो कमज़ोर हो गई। उसके बाद पुलिस उनके साथ वो मिल गई, लेके उनको जाना चाहिए था, हमें लेके चले गए। ठीक है, अब अगली बात यह है कि हमारा जो सर्विस हॉस्पिटल से जो रिज़ल्ट आने वाला है अभी तक हमें नहीं मिला। ठीक है, इसके पीछे हो सकता है किसी का हाथ हो, रुकवाया हुआ हो, क्या प्रॉब्लम है? अच्छा एक मिनट, वो कहते हैं कि हम पुलिस वालों को रिजल्ट देंगे, पुलिस वालों के साथ रابطہ किया, पुलिस क्या कहती है रिजल्ट के मुतल्लिक? कुछ नहीं, अभी पता कर रहे हैं, जब उधर से हमें खबर आएगी हम आपको बता देंगे, फिर हम चलेंगे। अच्छा जी, तहफ़ुज़ात ये हैं कि पहले तो जब हमने 15 पर कॉल की तो बजाय इसके कि हम उस टाइम मज़लूम थे, हमारी सुनी जाती, हमें हॉस्पिटल ले जाया जाता, हमें थाने ले जाके बिठा दिया गया। उसके बाद FIR हो गई और FIR के बाद गिरफ्तारी जो है नामजद मुलजमान की, उनमें से किसी की भी नहीं आई, एक शख्स की गिरफ्तारी हुई है। इसके बाद अगला इनका तहफ़ुज़ात में से जो बात ये बताते हैं वो ये है कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो हमें अब तक नहीं दिया गया, हम जब भी हॉस्पिटल से पूछते हैं हॉस्पिटल की जानिब से ये कहा जाता है कि रिज़ल्ट जो है वो पुलिस को दे देंगे, जब हम पुलिस से पूछते हैं तो पुलिस वाले ये कहते हैं जब हमारे पास आएगा तो हम आपको बता देंगे। ये तो सारी की सारी सिचुएशन है जो आला हुकाम तक मैंने आवाज़ पहुंचानी थी, इन लोगों की मैंने वो पहुँचाई है, लेकिन इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि हमें अभी भी थ्रेट कॉल्स आ रही हैं, हमें अभी भी धमकियाँ दी जा रही हैं कि खामोशी के साथ सुलह कर लो वरना तुम्हारे छोटे छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ेंगे, उनको भी मार देंगे, तुम्हें पता नहीं है तुम लोगों ने किस जगह पर पंगा लिया है। अब ये लोग कहते हैं कि पंगे का तो हमें पता ही नहीं है, ये तो खुद ही आए हैं और आके हमसे झगड़ना शुरू हो गए। जनपे वाला हर जख्मी शख्स, हर जख्मी फर्द इस घर का और इस घर की ये कहती है कि मरियम नवाज साहिबा आप तो हुक्मरान हैं, आपकी बादशाहत है, आपकी बादशाहत में हमारे साथ क्या हो रहा है? ये कपड़े दिखाएं जी जरा, ये कपड़े जो हैं, जो इन पर रंग नजर आ रहे हैं ना, ये प्रिंट नहीं है, ये ब्लड है कि किस अंदाज में इनको मारा गया और किस तरह से इस पर खून लगा हुआ है। शलवार की हालत देख लें, दूध ये कपड़े हैं, ये पाकिस्तान है, गजा नहीं है, कश्मीर नहीं है, ये पाकिस्तान है। कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है? ये बूढ़ी औरत के कपड़े हैं जिसको बुरी तरह से गर्दन पर बालों से घुमाकर फेंका गया है और उससे सर पर उसके रॉड मारा है जिससे वो जख्मी हो गई है और ब्लीडिंग हुई है। ये तमाम लोग इंसाफ के मुंतजर हैं, हकूमत से ये मुतालिबा करते हैं कि खुदा का वास्ता है अभी भी हमें डर लग रहा है, हमें ये कहते हैं कि तुम्हारे बच्चे भी नहीं छोड़ेंगे, हमारी मदद करें। इसके साथ ही अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।